हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या बनाया है आज खाने में, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या चल रहा है लाइफ में, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आप सबको उत्सुकता है कि मैं कहाँ आ गई हूँ, कहाँ पर हूँ, है ना? मैं अपने घर पर तो नहीं हूँ, ये बैकग्राउंड देख के आपको लग रहा होगा। और ये बैकग्राउंड देख के यदि कोई बता सकता है तो अभी सिर्फ 30 सेकंड हुआ है मेरे वीडियो को शुरू हुए, और इधर कोई कमेंट करता है देख के तो ज़रूर बताना कि मैं कहाँ हूँ, है ना? खैर, कई लोगों को पता होगा क्योंकि बैकग्राउंड देख के समझ में आ रहा होगा जो मेरे वीडियो लगातार देखते हैं। थंबनेल पे तो देखो ये है, मैंने लिख दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को टेंशन नहीं दे रही हूँ मेरे वीडियोस से, है ना? तो टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है ना? टेंशन लें तुम्हारे दुश्मन या मेरे दुश्मन, ठीक है? जिसको जो सोचना हो सोचता रहे। और मैं कहाँ हूँ, वीडियो पूरा देखो फिर बताऊंगी। ये देखो कमरे, अभी तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और अभी खाना पीने से निपटी हूँ। आज मैंने यहाँ पर बनाया था पनीर मेथी मटर मलाई, है ना? ये होना चाहिए, उसमें पनीर भी डाला था लेकिन। और दाल बनाई थी, चावल बनाया था, और आलू मेथी की सब्जी बनी थी, रोटी मेथी के पराठे, इतना कुछ आइटम बना हुआ था, है ना? और बस सब अच्छा चल रहा है दोस्तों, और अच्छा ही चलना चाहिए कभी किसी की लाइफ में। मैं तो यही बोलती हूँ कि जो भी टेंशन्स हैं लाइफ में, जो भी आप लोग सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है यार, जैसे मैं देखो, आप लोग खुद देखते हो ना कि हो जाता है टेंशन, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को नॉर्मल खुद ही करती हूँ। कौन बैठा है नॉर्मल करने के ना? रो लूँगी, गा लूँगी, जो कुछ टेंशन होगा आप लोग के साथ शेयर भी कर लूँगी, लेकिन एट लास्ट ये होता है कि खुद से खुद को ही समझाना होता है। यहाँ समझाने के लिए कोई नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए रो लो, गा लो और खुद को खुद ही समझा लो कि ठीक है यार, लाइफ है और बच्चे हैं, बच्चों के लिए जीना है, ठीक है, चल रहा है सब कुछ। और आज हम यहाँ आए हैं तो आज तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं जाएंगे तो ज़रूर ज़रूर बताएंगे आपको। चलिए, अभी मैं इस पॉइंट पे इतना ही बता रही हूँ आपको कि हम लोग कौन कौन यहाँ आए हुए हैं। अभी तक आपने यही सोचा था कि मैं, राधिका, मिष्टी, तीन लोग यहाँ आए हैं ना? नहीं, हम तीन लोग नहीं हैं यहाँ पर। मेरा भाई भी मेरे साथ आया है, मेरी भाभी भी मेरे साथ आई है, और हम लोग सब कार से यहाँ आए हैं। सुबह के निकले थे, रात में पहुँचे, और रात में बहुत थक गए थे इसलिए कुछ वीडियो वीडियो भी शूट नहीं कर पाए, है ना? कि बहुत थकान हो गई थी। एक्चुअली क्या होता है, कार में बैठे बैठे मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है ना, कंटिन्यूसली इतना टाइम, लॉन्ग टाइम बैठे रहते ना तो स्वेलिंग आ जाती है, तो मेरे पैरों में कल बहुत स्वेलिंग आ गई थी और बहुत मेरा कमर दर्द कर रहा था, इसलिए कल कुछ भी ऐसा सूट नहीं कर पाई। बस थकान इतनी लग रही थी, बस ऐसा लग रहा था पूरा शरीर टूट रहा है मेरा। आके मैंने दवा भी ली, पैरासिटामोल ले लिया था, तो रात में ऐसा था कि नींद आ जाएगी, लेकिन पूरी रात में नहीं सो पाई। एक तो जगह चेंज हुई तो नहीं सो पाई, क्योंकि मेरे साथ यही है, मेरी कभी भी अपने घर से मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरा जगह चेंज होता है तो मुझे नींद नहीं आती, और फिर कुछ टेंशन ऐसे हावी हो जाते हैं, यदि कोई चीज़ मेरे दिमाग में चढ़ती ना तो मैं वही 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 सोचती रहती हूँ। ये है मेरे साथ, मैं कितना भी इस चीज़ को निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में से सारी चीज़ें निकलें और मैं कुछ सोचूँ ना, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ और क्या। तो बस कुछ नहीं, इसलिए कल का वीडियो मैं नहीं कर पाई, मैं बहुत थकी थी, हालांकि सोई नहीं पूरी रात, और सोने में भी सब बातें कर रहे थे बैठे बैठे। अभी चलिए, अब इस पॉइंट पे 4:04:30 हो गया है, ए 30 से, हाँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। अभी भी कोई कमेंट करके लिख सकता है और मैं उसका नाम जरूर लूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसने भी सही जज किया। कल किसी ने लिखा था कि मैं बागेश्वर धाम जा रही हूँ, तो क्या करूँ, मेरी किस्मत में अभी वहाँ जाना हो ही नहीं पा रहा, और मुझे जाना है क्योंकि मुझे बहुत सी बातें वहाँ जाके
बालाजी सरकार से पूछना है, सही बताऊँ। इसलिए तो मुझे जाना है, बस जब मुझे बालाजी सरकार बुला लें, क्योंकि तो मैं अभी तक सिर्फ 2 बार ही जा पाई हूँ वहाँ पर, लेकिन मैं जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी, जब मेरे को बुलावा आएगा वहाँ से ज़रूर जाऊँगी। क्योंकि तो कहते हैं ना कि भगवान जब बुलाते हैं ना तब भी जाना हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाता है। तो कितनी बार मैंने अभी बीच में प्लानिंग भी करी तो भी नहीं जा पाई मैं वहाँ पर, है ना। तो भगवान जब बुलाएंगे अचानक से ही चले जाएंगे, जैसे पहले चले गए थे अचानक से ही, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं थी, उठ के चल दिए। सेम ऐसे ही होगा, ज़रूर जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि तो मुझे मालूम है मेरे बालाजी जरूर बुलाएंगे मुझे। और आज तक भी जितना सब कुछ प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल रही हूँ, या कभी फंसती भी हूँ प्रॉब्लम में, ऐसा नहीं है, लाइफ है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं, सुख भी है दुख भी है, सारा कुछ होता रहता है लाइफ में, लेकिन सारी चीज़ों से मुझे बाहर मेरे बालाजी सरकार ही निकालते हैं। मैं सच बताऊँ, मैं किसी के आगे अपना आप दुखड़ा नहीं रोती, मैं यही है कि जो मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि कुछ बातें मन की है ना, यहाँ बैठ के मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ ना, हर चीज़ सोशल मीडिया पे अपन लोग शेयर नहीं कर सकते, तो वो शेयर हम किसके आगे कर सकते हैं, अपने भगवान जी के आगे। तो मैं उन्हीं के आगे जाके सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, उनके आगे रोती हूँ, जितना रोना हो बैठ के, दिल भर भर के जितना रोना हो रो लेती हूँ, ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। ये खैर दोस्तों, चलिए अभी बताती हूँ मैं, है ना। चलिए दोस्तों, मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। एक्चुअली कुछ प्लानिंग, थोड़े प्लानिंग, क्या प्लानिंग तो कुछ भी नहीं थी, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बच्ची के पेपर चल रहे थे राधिका के, और लास्ट पेपर कल ही था उनका, 27 तारीख को, और होली थी, तो होली पे घर में कुछ डिस्कस हुआ था हमारे, लेकिन नहीं हो पाया होली पे, क्योंकि बच्ची के पेपर थे तो मैंने मना कर दिया था, और जिसके घर हम आए हैं तो उसकी भी बच्ची के पेपर थे, तो हमने बोल दिया कि नहीं यार, अपन पेपर के टाइम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरे भाई ने मुझसे बोला था कि चल रही है कि नहीं चल रही है, चल जल्दी अपन कहीं चलते हैं, मतलब विदिशा से बाहर चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने मना कर दिया था उस टाइम कि भाई मैं नहीं जा पाऊँगी, तुझे जाना है तू चला जा, मैं तो नहीं जा पाऊँगी, ये मेरी बच्ची की। फिर उसने प्लानिंग करी कि नहीं यार, अपन लोग अब 27 को राधिका का पेपर दे के आएगी तो अपन लोग वैसे ही निकल जाएंगे। तो फिर राधिका जैसे ही पेपर दे के आई, और हम लोग वैसे ही कैसे पूरी तैयारी एक दिन पहले ही करी हम लोगों ने, क्योंकि मेरा मन नहीं था आने का, मैं सही बताऊँ, क्योंकि मैं जहाँ आई हूँ हाँ, साल में अभी 4थी बार आ रही हूँ, पिछले साल से पिछले साल जनवरी से इस जनवरी और इतने महीने, और इसमें ये मेरा 4था चक्कर है, तो मुझे एम्बैरेसिंग भी लग रहा था, लेकिन ये मतलब सब लोग कहते कि इसमें क्या सोचना है यार, घर ही है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, आप बता रही हूँ कि मैं अपनी छोटी बहन के घर आई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही होती है, तो मेरी दौड़ मेरी बहन के ही घर तक है। या तो मैं बड़ी बहन के घर जा सकती हूँ, या मैं अपनी छोटी बहन के घर आ सकती हूँ, मेरे लिए और कौन से रिश्ते बैठे मायके में, तो मैं रहती हूँ आप लोग को मालूम है, तो मैं कहाँ जाऊँगी ये बताओ। या फिर घूमने फिरने भी जाना हो तो कैसे जाएँ, इतना लंबा चौड़ा सोचने में थोड़ा सा वो लगता है कि बच्चियां हैं अकेले कहाँ चले जाएं। तो फिर एट लास्ट, और फिर क्या है कि जो मेरी छोटी बहन है ना, उसकी बेटी और राधिका दोनों जन बहुत अच्छी फ्रेंड, फ्रेंड ही बोलना चाहिए, बहन तो चलो बाद में है, वो ऐसी दोनों एक दूसरे के लिए मरती हैं, दोनों 12th में, दोनों ही सेम एज की हैं बिल्कुल। तो मैंने राधिका से मना भी किया कि बेटा मैं नहीं जा रही हूँ, बाहर जाओ खर्चा पानी होता है सब है, और इतना नहीं है। तो कहली नहीं 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 मम्मी चलो चलो, फिर यहाँ से भी फ़ोन पे फ़ोन मेरी बहन के आ रहेगी, नहीं दीदी आप आ जाओ इतना क्यों सोच रही हो अपने घर ही आने में। और भाई तो जा ही रहा था, भाई कहला चलना है यार, तो फिर मैं आ गई यहाँ पर, तो मैं एट लास्ट अपनी बहन के घर हूँ, छोटी बहन के घर। और अभी कुछ टाइम तो मैं यहाँ रुकूंगी, अभी नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यार चेंज चाहिए था मुझे। आप लोग देख रहे थे कि पिछले ब्लॉग में मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब थी बहुत ज़्यादा, और मैं सच बताऊँ ना, अब मैं इतना नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ, पर मेरी लाइफ में पता है दोस्तों अभी भी शांति नहीं है ना। मैं सोचती हूँ मैं आई हूँ तो मैं शांत रहूँ, मैं मतलब कुछ सोचूँ ना, लेकिन फिर भी सोचने पे सब लोग मुझे मजबूर करते हैं, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यार मैं आई हूँ तो मुझे शांति से रहने दो, यहाँ पर कुछ भी चीज़ ऐसा मत करो कि मेरा दिमाग पे कुछ चीज़ें हावी होने लगें और मैं डिस्टर्ब होने लगूँ, और मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहती, है ना।
तो इट्स अ रिक्वेस्ट है, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो ना यार, क्यों चेंज करना, क्यों क्या बात सोचना, है ना। तो बस इतना बोलूंगी। चलिए दोस्तों अभी तो मैं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर बुला रहे हैं सब लोग, सब साथ में बैठे हुए हैं, मैं अकेली यहाँ पर बैठी हूँ तो अच्छा नहीं लगता अलग से अकेले बैठना, तो सभी लोग वहाँ दूसरे रूम में बैठे हुए हैं। तो मुझे अभी मेरी बेटी इशारा करके गई कि मम्मी आपको वहाँ बुला रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आज बाय बाय करती हूँ, जय श्री राम। और आगे के ब्लॉग्स यदि बन सके यहाँ के तो ज़रूर बनाओ, क्योंकि घूमने तो हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, धूप इतनी तेज़ है, इसलिए घर में ही रेस्ट करेंगे। बहुत तेज़ गर्मी पड़ी है, बहुत तेज़ है ना। तो यदि जबलपुर के कोई लोग हों, हाँ कई दो तीन लेडीज़ हैं जबलपुर की जो पहले भी मुझे कमेंट कर चुकी हैं कि दीदी आप आती हो और बताती नहीं हो, तो मैं अभी आई हुई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जबलपुर ही आई हुई हूँ, है ना। तो मिलना हो तो आ जाना, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्द। बाय बाय।